हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अर्चना संजय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 24 मंथ ओल्ड बेबी यानी कि 2 साल के बच्चे की माइलस्टोन्स और डेवलपमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर कर रही हूँ। 24 मंथ ओल्ड टोडलर के कंप्लीट डेवलपमेंट के साथ आज हम इस वीडियो के थ्रू 2 साल के बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग, स्पीच डेवलपमेंट, डाइट और उनके टेंट्रम को यानी कि उनके गुस्से को किस तरह हैंडल करें इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिले। सबसे पहले हम 24 मंथ ओल्ड बेबी के हाइट और वेट के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक हेल्दी 24 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल की एवरेज वेट 22.5 पाउंड से लेकर 32 पाउंड यानी कि अराउंड 10 किलोग्राम से लेकर 14.5 किलोग्राम तक होती है और उनकी एवरेज हाइट 31.5 इंच से लेकर 36 इंच तक हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक हेल्दी 24 मंथ ओल्ड बेबी बॉय की एवरेज वेट 23.5 पाउंड से लेकर 33.5 पाउंड यानी कि अराउंड 10.5 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम तक होती है और उनकी एवरेज हाइट 32 इंच से लेकर 36.7 इंच तक हो सकती है। 24 मंथ ओल्ड बेबी बॉयस मैन का वेट इस समय 33 पाउंड यानी कि अराउंड 14.96 किलोग्राम है और उसकी हाइट 36.5 इंच है। नेक्स्ट हम 24 मंथ ओल्ड टोडलर के माइलस्टोन्स के बारे में जानते हैं। मोस्टली बच्चे 12 से 18 महीने में चलना शुरू करते हैं। 18 टू 24 मंथ में अब आप देखोगे कि आपका बच्चा चलने के साथ साथ अच्छी तरह दौड़ भी पा रहा है, तो 24 महीने तक बच्चे अच्छी तरह चलने और दौड़ने में कैपेबल हो जाते हैं। मोस्टली बच्चे इस एज में अपने दोनों पैरों को एक ही समय पर उठाकर जंप कर सकते हैं, साथ ही साथ बॉल को किक करने और एक समय पर एक पैर रखकर सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में कैपेबल हो जाते हैं। इस एज में बच्चे बॉल को थ्रो कर सकते हैं, किसी भी फर्नीचर पर चढ़ और खुद से उतर सकते हैं, चलते समय अपने टॉयज को कैरी या पुल कर सकते हैं। इस एज में कुछ बच्चे पेंसिल या क्रेयॉन्स को अपने हाथ से पकड़कर लाइन या सर्कल या उनसे रिलेटेड फिगर बना पाते हैं। अगर आपका बच्चा इनमें से कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समय के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के होने पर भी आपका बच्चा खुद से खड़े होकर अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा है यानी कि खुद से चल पाने में कैपेबल नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिले और उनकी सलाह ज़रूर लें। नेक्स्ट हम एक 24 महीने के बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। मोस्टली बच्चे इस एज में 10 से लेकर 100 डिफरेंट वर्ड्स बोल पाते हैं। कुछ बच्चे इस एज में 200 से भी ज़्यादा वर्ड्स बोल पाने में कैपेबल होते हैं। अपने बॉडी पार्ट्स बता पाते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 सिंपल बॉडी पार्ट्स बता पाने में आपके बच्चे इस एज में कैपेबल होते हैं। इस एज में मोस्टली बच्चे वर्ड्स रिपीट करते हैं, यहाँ तक आपकी नकल भी करते हैं। कुछ बच्चे 2 से 3 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं। स्मैन आजकल 3 से 4 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलने की कोशिश कर रहा है, लाइक मम्मा, डैडी, मोर फूड, डैडी गो घूम घूम, नो मोर डन यानी कि मुझे और नहीं चाहिए, आई एम डन। और जब भी कोई चीज़ नीचे गिर जाए और मैं उसे कहूँ कि ये चीज़ ना ले, ये डर्टी है, तो स्मैन कहता है नो डर्टी, गुड। तो इस तरह 2 या 3 या कभी कभी 4 वर्ड्स को कंबाइन करके वो आजकल हमसे बात कर रहा है। कुछ बच्चे इस एज में कंटिन्यूस बैबलिंग करते हैं और कुछ बच्चे सिर्फ 1 या 2 एक्चुअल वर्ड्स बोलते हैं। इवन आपकी या आपके फैमिली मेंबर जिन्हें भी आपका बच्चा अच्छी तरह जानता है, उनकी पिक्चर्स दिखाने पर इस एज में बच्चे उन्हें पहचान पाने में कैपेबल होते हैं। पिक्चर्स देख के बच्चे मम्मा, डैडी, दीदी, भैया, दादी या नानी या जो भी उनके करीब हो उन्हें बता पाते हैं, सिंपल कमांड्स या डायरेक्शन फॉलो करते हैं। इस एज में बच्चे मोस्टली नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कुछ भी कहो करने के लिए वो सामने से नो या नहीं कहेंगे, लाइक नो फूड, नो मिल्क, नो ब्रश, जो कि इस एज में बच्चों का कहना और करना बहुत ही कॉमन है। स्मैन के सेकंड बर्थडे से कुछ दिनों पहले से ही उसकी स्पीच में हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। लास्ट 2-3 हफ्तों से वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा है, इवन हमारे बोले गए वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। तो अगर आपका 18 to 24 मंथ का बच्चा अभी ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोल पाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 24 महीने के बाद बच्चों के स्पीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। बच्चों के स्पीच में डेवलपमेंट लाने के लिए उनके साथ एवरीडे बुक्स रीड करें, उन्हें पिक्चर्स दिखाकर पिक्चर के नाम बताएं, उनसे बातें करें, बच्चों के साथ सिंपल और क्लियर वर्ड्स या सेंटेंस बोले, बेबी टॉक न करें, जैसे कि वाटर को वाटर या पानी या जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हो वही वर्ड बोले, मम मम, नम नम, ऐसे वर्ड्स यूज न करें ताकि आगे चलकर बच्चे क्लियर बात कर सके। उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स बताएं, कलर्स के नाम बताएं या उनके आसपास जो भी चीज़ें हो उन्हें उनके नाम बताएं
और उन वर्ड्स को हर बार उनके सामने रिपीट करे, उनके साथ रैम्स बोले। अगर आपका 18 to 24 मंथ का बच्चा एक या दो वर्ड्स बोल पाता है, आपके बताए गए डायरेक्शन को फॉलो करता है, कमांड्स फॉलो कर रहा है, तो आपको बच्चे के स्पीच के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस बताई गई बातें फॉलो करें, बच्चे के स्पीच में जरूर समय के साथ इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल के होने पर भी एक भी वर्ड नहीं बोल पाता है या आपके द्वारा बताए गए डायरेक्शन को बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाता है, तो आप बच्चे की हेयरिंग टेस्ट जरूर करवाएँ और इस बारे में अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर अभी तक आपने अपने 18 से 24 मंथ के बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू नहीं किया है, तो ये एज बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए सही एज है। अगर आपका बच्चा आपको पी या पूप करके बता रहा है या अपनी डर्टी डायपर वो अपने हाथों से खुद निकाल देता है, अपने पुलअप डायपर या पैंट को ऊपर पुल करने या निकालने में कैपेबल है, तो आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले बच्चे को पॉटी में बैठना सिखाएं। बच्चे एक जगह स्टिल नहीं बैठ पाते हैं तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें पॉटी सीट पर बिठाकर उनसे बातें करें, स्टोरी बोले या रैम्स बोले, उन्हें बार बार पानी पिलाएं जिससे उन्हें बार बार पी जाने की ज़रूरत फील हो और उन्हें पॉटी में बैठने की प्रैक्टिस होने लगे। अगर आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के दौरान पी पॉटी में करे, तो उसे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करे, स्टिकर्स या पिक्चर्स जैसे रिवॉर्ड दे, ताकि बच्चा फिर से पी या पूप पॉटी में करने के लिए आगे भी मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट हम इस एज में बच्चों में आने वाले टेंट्रम्स के बारे में जानते हैं। बच्चों में टेंट्रम्स आना मोस्टली 18 से 24 महीनों में शुरू होता है। 18 महीने से 3 साल के बच्चों को गुस्सा आना, जिद करना, बिना बात के रोना और चिढ़ना इस एज में बहुत ही कॉमन है। यहाँ तक कि इस एज में कुछ बच्चे रोते रोते चिल्लाने लगते हैं, दूसरों को बाइट या हिट करते हैं, और अगर आप उनकी जिद पूरी ना करो तो वो दीवार पर अपना सिर पटकते हैं या सीधा ज़मीन पर लेट जाते हैं। घबराइए नहीं, टेंट्रम्स चाइल्ड डेवलपमेंट का ही नॉर्मल पार्ट है। मोस्टली ये 2 से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है और वक्त के साथ ये धीरे धीरे बच्चों में कम हो जाता है। और ऐसा मोस्टली तब होता है जब बच्चे थके हो, उन्हें भूख लगी हो या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उस समय बच्चे अपना गुस्सा ज़्यादा दिखाते हैं। और ऐसा होने का कारण ये भी है कि इस एज में बच्चे अच्छी तरह बात नहीं कर पाते हैं, वो अपनी नीड और फीलिंग अच्छी तरह आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपके पास आते हैं, कुछ बोलने या बताने की कोशिश करते हैं, और जब आप उन्हें नहीं समझ पाते हो या उन्हें इग्नोर करते हो, तब बच्चे इसी बात पर चिढ़ जाते हैं और क्रैंकी हो जाते हैं। इस एज में बच्चों को इंडिपेंडेंट और कंट्रोल फ्री रहना ज़्यादा पसंद होता है। उन्हें हर चीज़ खुद करना होता है, चाहे वो उसे हैंडल कर पाए या न कर पाए। इसीलिए मोस्टली बच्चे किसी भी टास्क में मी ऐसा कहते हैं या अपना नाम लेकर आपको बताते हैं कि उन्हें ये चीज़ करनी है, और अगर आप उन्हें वो चीज़ ना करने दो या वो खुद ना कर पाए, तब उनके टेंट्रम्स स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि बच्चों के टेंट्रम्स को डील किस तरह करें। जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी जिद को डील न कर पाने की वजह से हमें उतना ही गुस्सा उन पर, कभी कभी अपने आप पर और जो लोग आपके साथ रहते हैं उन पर आता है। तो ऐसे में खुद को काम डाउन करना और उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना ही बच्चों की जिद को हैंडल करने का सही तरीका है। और एक बात है कि जब आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिद कर रहा हो, आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हो जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आप उन्हें नहीं देना चाहते हो, तो बच्चे की जिद करने पर तो वह चीज़ बच्चे को बिल्कुल भी मत दीजिए। उसके बजाय उसे उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उस चीज़ की जगह कोई दूसरी चीज़ उन्हें थमा दे या किसी और एक्टिविटी में उन्हें बिजी कर दे। जब भी मैं अपने बच्चों की चॉइस को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, तब वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। इस चीज़ को डील करने के लिए अब मैंने उन्हें हर चीज़ में चॉइस या ऑप्शन देना शुरू कर दिया है, और यह ट्रिक मुझे मेरे बच्चों के टेंट्रम को डील करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच, डिनर और स्नैक्स तक, इवन उनके टॉयज और कपड़ों में भी मैं उन्हें 2 चॉइस देती हूँ। हर चीज़ अब वो खुद सिलेक्ट करते हैं, जिसके कारण कम से कम घर में उनकी जीत करने की हैबिट काफ़ी हद तक कम हो गई है। मैं उन्हें ऑप्शन उन्हीं चीज़ों की देती हूँ जो उनके लिए सही है, पर खुद सिलेक्ट करने की वजह से मेरे बच्चों को लगता है कि जो वह चाहते थे उन्हें वही चीज़ मिली है जिसे वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। खैर, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर में तो आप किसी भी तरह उन्हें काफ़ी हद तक हैंडल कर लेते हो, पर रियल प्रॉब्लम तब आती है जब आप बच्चों को बाहर कहीं घूमने या शॉपिंग पे ले जाते हो। मुझे अच्छी तरह याद है जब अयान 1.5 से 2 साल का था, तब जब भी हम उसे कहीं ले जाते थे, स्पेशली शॉपिंग पर, उसे हमसे आगे भागने का बड़ा शौक था। साथ में हाथ या उंगली पकड़ के चलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन शॉपिंग कार्ट या स्ट्रॉलर में भी वो ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करता था। ज़बरदस्ती करने पर वो रोने लगता था। इस चीज़ को डील करने के लिए हमने उसके लिए स्नैक्स लेके जाना शुरू किया। इवन स्टोरी बुक्स, क्रेयॉन्स और उनके फेवरेट टॉय साथ में लेके जाने से बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिजी किया जा सकता है।
बाहर हंगरी या स्लीपी होने पर बच्चे ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, तो घर से बाहर जाते समय मेक श्योर करें कि आपके बच्चे का पेट भरा हो, उसने नैप ले ली हो, और शॉपिंग के दौरान बच्चों से बातें करें, उनके साथ चीज़ें काउंट करें, उन्हें ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान चीज़ों के नाम बताते रहे, उन्हें अपनी बातों में इंगेज करें और साथ ही उनके अच्छे बिहेवियर को हमेशा अप्रिशिएट करें। इस एज में बच्चों को पूरे दिन में 12 से 14 घंटे सोना चाहिए, जिससे उनके शरीर और ब्रेन का सही विकास हो सके। आगे मैं आपके साथ 2 साल के बच्चे की डाइट और सही न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।